दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसी गेम का जिसे रिव्यू करने के लिए यार मैं खुद को कैपेबल ही नहीं मानता। मैं सच बता रहा हूं ऑनेस्टली आपको, क्योंकि गेम का नाम है डीमन सोल। और जो कि मैं कह सकता हूं कि मेरे करियर में जितनी भी मैंने आज तक गेम्स खेली हैं उनमें से मतलब एक टफ गेम जिसे कहा जाए, जिसे मतलब हम कैजुअली तरीके से खेल ही नहीं सकते। जैसे आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सकीरो का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, तो मैं कह सकता हूँ कि ये साल डीमन सोल के लिए जाने वाला है कि अगर सबसे ज़्यादा टफ या हार्डेस्ट गेम का नाम आएगा तो वो होगी डीमन सोल, जिसे खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है और उसमें एक मैं भी शामिल हूँ यार। तो मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और क्यों लेकर आया हूँ वो भी आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमो कार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यार मैं इस गेम को परचेस नहीं करने वाला था। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, आप लोगों के कहने से मैंने ये गेम परचेस की और डेफिनेटली मैं समझ गया कि यार आप लोगों ने अगर मुझे गेम खरीदने के लिए कहा है तो उसके दो ही रीजन है। एक तो लोग ये देखना चाहते थे कि यार एक कैजुअल गेमर इस गेम को किस तरह से खेलता है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझे इरिटेट होते हुए देखना चाहते थे लाइव स्ट्रीमिंग में, जो कि कल उन्हें मतलब पूरा पैसा वसूल मज़ा आया होगा जिन्होंने भी वो पूरी लाइव स्ट्रीम देखी होगी। तो कल की जो लाइव स्ट्रीम है मेरे लिए तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हुई। मतलब होता है ना, किसी को परेशानी में देखकर या किसी को इरिटेट या गुस्से में देखकर लोगों को बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिलता है, तो वो वाली चीज़ें कल हुई होगी देखने में। तो ये तो मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि यार गेम हार्ड होने वाली है, सकीरो जैसा कुछ गेम प्ले होगा जिसमें मैं बार बार मरूंगा, लेकिन इतनी हार्ड होगी तो ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हार्ड किस वजह से है तो वो भी आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि गेम में आज की डेट में जितनी भी हम गेम्स खेलते हैं आप लोगों को पता है कि सेव का कोई सीन नहीं होता, मतलब ऑटोमेटिकली चेक पॉइंट आपको मिलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन इस गेम में यही सबसे ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ है कि इसमें आपको चेक पॉइंट ही नहीं मिलता। मतलब अगर आप मर गए तो दोबारा से खेलोगे आप पूरी गेम को, अगर कोई एक चैप्टर है तो आपको चेक पॉइंट तो कहीं मिलेगा नहीं, और बल्कि आपको वो चैप्टर दोबारा से खेलना पड़ेगा। तो ऐसा होता था 90s की गेम में। अगर मैं मारियो कॉन्ट्रा टाइप की गेम्स की बात करूँ तो उनमें ये सब चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती थी, और इसलिए उन गेम्स को मैं आज भी बहुत हार्ड मानता हूँ। और उन गेम्स में हमारा प्रैक्टिस इतना हो जाता था क्योंकि उन गेम्स को ऐसा होता ही नहीं देगा एक बार खेलने के बाद आप मतलब खेलोगे नहीं दोबारा से, हमारे पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती थी, तो उन्हीं गेम्स को हम सालों साल खेलते रहते थे। और काफ़ी मतलब महीनों तक मतलब एक ही गेम को प्ले करना आप समझते हो कितनी प्रैक्टिस होती थी। तो ये डीमन सोल भी कुछ ऐसी गेम है कि जिसे आप 2-3 दिन के अंदर ख़त्म नहीं कर सकते। कुछ लोग कहेंगे कमेंट करके, अरे राहुल जी हमने तो 2-3 दिन में खत्म कर दी, 1 दिन में कर दी। भाई आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, और मुझे ये कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि मैं उतना बड़ा आप जितना प्रो गेमर नहीं हूं। भाई मैं कैजुअल गेमिंग करना पसंद करता हूं, और बस ये है कि मुझे कैंपेन गेम खेलना अच्छा लगता है, ये बात सच है। लेकिन मैं एक खुद को कहूं कि यार मैं तो बहुत बड़ा प्रो गेमर हूं या तुर्रम खाऊं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जब मैंने कल लाइव स्ट्रीम में से खेला तो बस मेरा यही सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, इरिटेशन हुई कि यार जब मेरा गेम इतना आगे तक निकल जाता था, ऐसा नहीं कि मेरा गेम प्ले कोई पुअर है या मैं अच्छे से नहीं खेल रहा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे सुपर चैट करके भी, राहुल जी आप अच्छा खेल रहे हो, आप ऐसे ऐसे करते रहो, गाइड किया लोगों ने। और उन सभी जो भी लोगों ने मुझे कल सुपर चैट करके मेरा हौसला बढ़ाया, उन सभी लोगों को मैं इस वीडियो में भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें काफ़ी सारे नाम है तो ऐसे मुझे याद भी नहीं है। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक कहा कि राहुल जी बस आपने लीवर जो पुल कर दिया था, बस थोड़ा सा आके था चेक पॉइंट आपको मिल जाता, लेकिन यार मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी और टाइम भी ज़्यादा हो गया था यार, क्योंकि एक तो लाइव स्ट्रीम भी लेट काफ़ी शुरू की मैंने, इसी वजह से मैंने कल गुस्से में आकर उस गेम को लाइव स्ट्रीमिंग में ही डिलीट कर दिया। लगभग 53 GB का सेटअप था वो, और अब सोचता हूँ कि यार नहीं, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए था। लास्ट में मुझे एक बंदे ने बोला भी सुपर चैट करके कि राहुल जी आप गिव अप मत करो इतनी जल्दी, और आपको भी खेलना चाहिए था। और तो यार कल तो टाइम भी ओवर हो गया था, तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों की बात मानते हुए कि मैं एक बार और फिर से ट्राई करूंगा इस गेम को। और आज हम करेंगे मिक्स्ड मल्टीप्लेयर गेम्स की लाइव स्ट्रीम, जिसके अंदर मैं डीमन सोल भी खेलूंगा, कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर खेलूंगा, और साथ में सैकबॉय की भी आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं, राहुल जी सैकबॉय नहीं खेल रहे आप, तो आज मैं तीनों गेम प्ले करने वाला हूँ। शुरुआत हम किसी भी गेम से कर सकते हैं, वो आप कमेंट करके बता देना लाइव स्ट्रीमिंग में ही, और आज लगभग 9 से 10 बजे के बीच में शुरू हो जाएगी, 9:30-10 बजे के आसपास, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ा लेट ही अपलोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ तक इसका रेटिंग का सवाल, तो यार इस गेम को रेटिंग देने के लिए मैं खुद को कैपेबल नहीं मानता हूँ, बस ये कह सकता हूँ मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू का जो करने का पर्पज़ था वो ये था कि जो कैजुअल गेमिंग करना पसंद करते हैं, जो फन के लिए गेम खेलते हैं, तो वो इस गेम से कोसों दूर रहें, वो इस गेम से पूरी पूरी तरह से दूरी बना लें, जैसे कोरोना से दूरी बनाते हैं उनके लिए गेम नहीं है। लेकिन जो गेमिंग को सीरियसली लेते हैं या जिन्हें लगता है यार हमारे लिए कुछ चैलेंजिंग नहीं आ रहा आजकल, या गेम को जो कोई
कोई भी गेम को हार्ड मोड से खेलना पसंद करते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि आप इस गेम को जब भी आप PS5 परचेज करें इंडिया में, जब भी आएगा आप इसे ज़रूर लेना। 5000 रुपये की गेम भले ही हो, लेकिन ये आपकी कई महीनों तक चलने वाली गेम है, कम से कम एटलीस्ट एक महीना तो निकाल ही देगी। अगर आप इस गेम में एक चैंपियन बनना चाहते हैं, प्रो गेमर बनना चाहते हैं, तो बस ओवरऑल बस मैं यही कहना चाहूँगा गेम के बारे में। आज रात को लाइव स्ट्रीम होगी, मैंने टाइमिंग आपको बता दिया है, तो बस आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। जाते जाते आप लोगों को ये भी बता दूँ कि टेकन 7 का सीजन पास 4 नमोकार लाइव गेमिंग चैनल पर टेलीकास्ट हो चुका है, आप जाकर देखो। और आज हमने गाजर के हलवे की भी वीडियो शूट की है, जो कि आपको बहुत जल्द फूडी नमोकार चैनल पर मिलेगी। जो भी मेरे तेरा खाने के शौकीन है, अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मम्मी आपके लिए नई नई रेसिपी बनाती रहती हैं, प्लीज़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमने एक नई रेसिपी भी अपलोड की है उस चैनल पर, मूंगलेट। अब मूंगलेट बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नहीं खाया हो, नाम अलग है, लेकिन मूंग के चिले आप लोगों ने ज़रूर खाए होंगे, तो एक बार उस रेसिपी को भी जाकर देखो, आप लोगों को बनाने में या खाने में बहुत ही मज़ा आएगा।